वो कैसा खंडित करते, और हर अलंकार में हर भाषा में कृष्ण नाम का ही जहां पर उल्लेख करते स्थापित करते, ये गुरुदेव बतलाते। और साथ साथ कहते जो हम गौर मंत्र का जो जप करते हैं उस गौर मंत्र में जो नाम है, कौन से नाम, चैतन्याय विशंभराय, ये सब जो नाम है ये नवदीप के नाम है, ये जगन्नाथपुरी के नाम नहीं है। वह गौर मंत्र भी इस बात को स्थापित करता है। ऐसे गुरुदेव बड़े बड़े प्रमाणों के द्वारा, और एक प्रमाण और दिया, जिस प्रकार राधा कृष्ण की अष्टकाल लीला स्मरण होती है, पद्धति है, वैसे ही महाप्रभु की गौर लीला वह भी अष्टकालीन गौर लीला स्मरण पद्धति है। उस गौर लीला अष्टकाली जो गौर लीला है उसमें जगन्नाथपुरी का उल्लेख नहीं है, उसमें श्री नवदीप धाम का उल्लेख है। इन सब कारणों से, इन सब प्रमाणों से श्री नवदीप धाम श्रेष्ठ है। जगन्नाथपुरी से कौन सा धाम श्रेष्ठ है, श्री नवदीप धाम श्रेष्ठ है। गुरु जी की ये बड़ी सुंदर व्याख्या सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते। कैसे सुंदर, जैसे समुद्र में हीरे मोती ज्वारात हैं, लेकिन जो उसमें डुबकी लगाकर लाने वाला जो तैराक है उसकी महिमा है। ऐसे शास्त्रों में तो कितने हीरे मोती ज्वारात हैं, लेकिन गुरुदेव जैसा जो तैराक जो उसमें डुबकी लगाकर वो हीरे मोतियों को जो निकाल ले, ये अद्भुत महिमा है। अब ये सब बात हो गई। गुरुजी त्रिक्रम महाराज जी को देख रहे थे और त्रिक्रम महाराज जी हंस रहे थे। अब जानते ही माइक अगर त्रिक्रम महाराज जी को दिया जाएगा तो जरूर कुछ ना कुछ खंडन करेंगे। इसलिए गुरुजी ने वहीं पर सभा को विराम दिया, बोलते गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, बस कथा विराम हो गई। अब त्रिक्रम महाराज जी देख रहे हैं, अभी तो माइक फैलम ना शांति रखो, शांति शांति। त्रिक्रम महाराज तो गुरु जी को देख रहे हैं, हमें तो माइक पहलम ना गुरुजी, गुरुदेव बोलते हैं अपनी काल के माइक पावे, काल के बोल दे। आज इस बात को स्थापित हो गया। अब अगले दिन श्री देवानंद गौड़िया मठ के मंदिर के ठाकुर मंदिर के पीछे त्रिक्रम महाराज जी बैठते थे चेयर पर। जब परिक्रमा चली जाती थी पीछे चेयर पर बैठते थे। उस समय त्रिक्रम महाराज जी का जो सेवक वो कुछ रसोई करने चले गए और मेरे को बोल दिया, प्रभु आपको कभी देखा नहीं, पहली बार देखा। अच्छा आप महाराज को पंखा कर देंगे, इनको गर्मी लगती है। मैं त्रिक्रम महाराज जी को पंखा कर रहा था, इतने में परिक्रमा से लौट कर कुछ विदेशी भक्त लोग आए और त्रिक्रम महाराज जी ने ऐसे बुला लिया, ए इधर आओ, इधर आओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कल नारायण महाराज ने क्या स्थापित किया, कथा सुनी थी, बोलते हाँ महाराज सुनी थी, क्या स्थापित किया, कौन सा धाम श्रेष्ठ है, बोलते गुरु जी ने बताया नवदीप धाम श्रेष्ठ है। बोलते अच्छा, इतने में एक और दंपति जा रहे, उनको बुला लिया, इधर आओ, कौन सा धाम श्रेष्ठ है, बोलते नवदीप धाम श्रेष्ठ है, हमने गुरु जी से ये सुना। त्रिक्रम महाराज कहने लगे, मान लो अभी के अभी एक घंटे में तुम्हारे गुरुजी नारायण महाराज यहाँ से जगन्नाथपुरी चले जाएं, तुम लोग नवदीप परिक्रमा करोगे कि जगन्नाथपुरी जाओगे। बोलते हैं जहाँ गुरुजी जाएंगे हम भी उनके पीछे पीछे जाएंगे। तो बोलते हैं तुम श्रेष्ठ धाम छोड़ के छोटे वाले धाम में जाओगे, ये तो नवदीप श्रेष्ठ है, इसको क्यों छोड़ोगे। हाँ, और वो जो छोटा है, जिसको छोटा बोल दिया नारायण महाराज ने, वहां क्यों जाओगे तुम, यहीं पर रहो। बोलते नहीं, जहाँ गुरुदेव जाएंगे वहीं हम जाएंगे। तो त्रिक्रम महाराज हंसते हंसते बोलने लगे, यही बात तो कल मैं बोलना चाह रहा था, नारायण महाराज ने माइक नहीं दिया कि जय स्थान वैष्णवगण सही स्थान वृंदावन सही स्थान आनंद विशेष, जहाँ पर श्रेष्ठ वैष्णव। देखो लग रहा है त्रिक्रम महाराज जी गुरु जी की बात को काटना चाह रहे हैं, परंतु नहीं, गुरु जी की प्रसंग को, उनके कहे हुए वचन को ही स्थापित करना चाह रहे हैं, लेकिन करने का जो ढंग है वो दूसरे प्रकार का है।
सिर्फ ढंग ही दूसरे प्रकार का है, लेकिन वास्तव में बात तो गुरु जी की महिमा को प्रतिष्ठित करना चाह रहे हैं। इसलिए कहा कि देखो जहां नारायण महाराज जाएंगे तुम सब लोग उसके पीछे पीछे जाओगे, उनके पीछे पीछे जाओगे। इसलिए जय स्थाने वैष्णवगण, जहां पर नारायण महाराज जैसे गुरु जी को संबोधन करके कह रहे हैं, जहां पर वो रहेंगे वही धाम श्रेष्ठ है। वो पूरी रहे कि नवदीप रहे या फिर वृंदावन रहे, ये उन्होंने स्थापित किया। बोलो गुरु महाराज की। और हाँ, इस प्रकार से रूप सनातन गौड़िया मठ में, रूप सनातन गौड़िया मठ के प्रांगण में पूज्यपाद गुरु महाराज कथा बोल रहे हैं और त्रिकुट महाराज भी बैठे। गुरु जी बड़ी सुंदर कथा सुनाई, ये कुंज है, ये सेवा कुंज है। इस प्रकार से राधा जी की महिमा को खूब श्रवण कराया। ये बोलकर कहने लगे अच्छा अब त्रिकुट महाराज कथा बोलेंगे, मेरे को थोड़ा जाना है, अस्वस्थ हूँ। गुरु जी जब गए सब गुरु जी के पीछे पीछे, और वहां महाराज के सामने बैठ गए तीन चार लोग। और त्रिकुट महाराज बोले लगे देखो जितनी गोपियां थी सब चली गई ऊपर, अब जितने साधक हैं वो यहाँ बैठ गए, ये सब साधक यहाँ बैठ गए, सब गोपियां ऊपर चली गई। और वो जो चार लोग बैठे ऊपर, गुरुदेव ने जब देखा कि सब छोड़कर आ गए, ये तो अवहेलना है, तो गुरु जी सबको कहने लगे ए, सब नीचे जाओ, पूज्यपाद त्रिकुट महाराज से कथा सुनो, सब जाओ नीचे। सब नीचे आ गए तो एक विदेशी महिला बोलते महाराज कैन यू स्पीक अबाउट गोपी भाव, वी वॉन्ट टू हियर मंजरी भाव। महाराज हम गोपी भाव मंजरी भाव को श्रवण करेंगे। महाराज बोलते अच्छा गोपी भाव सुनोगे, बोलते हाँ। अभी अभी सूचना मिली कृष्ण मर गया, क्या मर गया, कृष्ण मर गया। सब हा 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 हंस रहे हैं, वो जोर जोर से हंसने लगी, हा हा हा। अरे सुना तुमने कृष्ण मर गया, हंस रही है जोर से। बोलते ये तुम्हारा गोपी भाव है, ये तुम्हारी ममता है, ब्रज गोपियां ये श्रवण करने से कि कृष्ण के सिर में मस्तक में दर्द हो रहा है वो बेहोश हो जाती, मूर्छित हो जाती हैं। ये सुनने से कृष्ण चले जाएंगे द्वारका मथुरा, वे मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं, क्रंदन करती हैं, और मैं कह रहा हूं कृष्ण मर गया, तुम हंस रही है, ये गोपी भाव है तुम्हारा। ऐसे गोपी भाव की उपलब्धि नहीं होगी, बोलने से नहीं चलेगा, ये अहंग्रोपासना हो जाएगी। अहंग्रोपासना, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, त्रिकुट महाराज जी का ये स्लोगन था, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले साधन करो और साधन करके पक्क अवस्था में जब पहुंचोगे तो कहना नहीं पड़ेगा। इसलिए उनका सबसे फेवरेट श्लोक क्या था, अताशी कृष्णामादी न भवेद ग्राज्य इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं में सुरते मनाहा। भगवान अतश्य कृष्णामादि नाम रूप गुण लीला ये साधन करके ही उपलब्ध होगी। कैसे, सेवन मुखे ही जीवादो, जब जीवा सेवन मुख होगी, जब सब समय निरंतर कृष्ण नाम गुणगान गाएगी, कृष्ण का ही चरण आश्रय लेगी, तब स्वयं ही वो कृष्ण इंद्रियों में स्फुरित होंगे। इसलिए सावधान, आज भी ऐसा होता है, बड़े दुख की बात है, गुरु जी से सब कुछ श्रवण किया हुआ है, सभी गुरु जी के ग्रंथों में उपलब्ध है, फिर भी कोई उधर बाबा जी के पास जाएगा, कोई उधर बाबा जी के पास जाएगा, कोई उधर पंडित के पास जाएगा, किस लिए, और सीखना है, और सुनना है, और सुनना है। गुरु जी की 10,000 लेक्चर हैं, 10,000। कौन सा ऐसा विषय है जो गुरु जी ने संसार को नहीं दिया है, कौन सा ऐसा विषय है जो उनके ग्रंथों में नहीं है, सारे विषय हैं, संबंध भी है, अभिधेय भी है, और प्रयोजन की तो सीमा है वहां पर। सिर्फ अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए इधर उधर भटकना,
ये उचित नहीं। गुरुजी ने सदैव इसका खंडन किया है। पूज्यपाद त्रिक्रम महाराज ने इसका खंडन किया है। जो लोग नवदीप में जिसको प्राचीन मायापुर का जन्म स्थान कहते हैं, पूज्यपाद त्रिक्रम महाराज जी बोलते थे, क्या बोलते थे, एटा नाई एटा नाई एटा नाई, ये नहीं है, ये भ्रमित करने के लिए है। जो लोग इधर उधर बाबा जी के पास कथा सुनने जाते हैं और वो ये लोग यही कहते हैं, हाँ हम तो गौड़िया धारा में हैं, उनसे पूछ कर देखो क्या वो अपने ऑल्टर में अपने मंदिर में श्री भक्तिरूप ठाकुर जी और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के आलोक को रखकर उनकी पूजा करेंगे, क्या उसके लिए वो राजी हैं? यदि वो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी और भक्तिरूप ठाकुर जी को अपने ऑल्टर पे नहीं रख सकते तो वो सारस्वत धारा नहीं है। हमारी श्री ब्रह्म मध्व गौड़िया सारस्वत धारा है। वहां से यदि सारस्वत शब्द हटा दिया जाए तो उसमें बहुत ऊंचा नीचा हो जाएगा। ये सारस्वत धारा एकदम पूरी सटीक एक धारा है हमारी श्री भक्तियों ठाकुर जी और प्रभुपाद जी को छोड़कर। कोई कितना भी सिद्धांत कुछ भी बोले वो अधूरा है, वो पूर्ण नहीं है। इसलिए जो जो वहां पर जाएंगे उनसे पूछ कर देखो, आप हमारी परंपरा को मानते हो, आप भक्ति और ठाकुर जी को मानते हो, आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी को मानते हो, तो बोलेंगे हाँ मानते हैं, तो रखो मंदिर में उनका पूजन करो। कभी रखेंगे कभी नहीं रखेंगे। जहां पर हमारे भक्ति और ठाकुर और प्रभुपाद जी नहीं है, जिनकी कृपा से आज श्री नवदीप धाम परिक्रमा होती है, जिनकी कृपा से गौर धाम प्रकाशित हुआ है, जिन्होंने महाप्रभु के जन्म स्थान को प्रकाशित किया है, वो गौर अनुयायी जो गोस्वामी वर्गों के ग्रंथ को तो पढ़ेंगे, लेकिन जिसने इस गौर नाम गौर धाम और गौर नाम को जो इन्होंने प्रचारित किया है, उन श्री भक्तियों ठाकुर जी सप्तम गोस्वामी को यदि कोई नहीं मानेगा, हम भी उसको नहीं मानेंगे। उन्हीं भक्तियों ठाकुर जी की धारा को जो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने प्रतिष्ठित किया है, जो उसकी धारा को नहीं मानेगा, हम भी उसको नहीं मानेंगे। ये हमारी एक परंपरा है। इसकी अवहेलना करके मात्र अपने ज्ञान को बढ़ाकर आगे बढ़ने से नहीं चलेगा। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, साधन करके उस वस्तु की उपलब्धि है। कृपा उपेक्ष है, कृपा से ही होगा, लेकिन उस कृपा की प्राप्ति के लिए साधन तो आवश्यक है। इसलिए समस्त सन्यासी वृंद के पीछे पीछे श्री गुरुदेव के अनुगत में नवदीप धाम परिक्रमा करना ये परम श्रेष्ठ साधन है, जहाँ पर श्रवण और कीर्तन सब कुछ कितने शुष्ट भाव से अन्यासी हम सबको प्राप्त है। श्री पूज्यपाद भक्तिवेदांत त्रिक्रम गोसाई महाराज सबको यही प्रेरणा देते कि धाम में आए हो तो धाम की महिमा को समझो, और जब तुम आए हो तो फिर वापस क्यों जाते हो। ये त्रिक्रम महाराज जी मेरे समझ मेरे सामने एक दंपति को एक कपल को पूछा ये बात, तो तुम रिटर्न टिकट लेकर आया तो फिर धाम दर्शन क्या हुआ? तुम्हारा ये धाम दर्शन आंखों से हुआ है, धाम दर्शन कानों से होगा। और जिस दिन एक कृष्ण कथा भी क्या कर्ण पीयूष विपुरुष यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विपुरुष, एक बार भी वो गौर लीला कान में चली जाएगी, इस धाम को छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन आप लोग विचार करेंगे, हमारे महाराज लोग प्रचार में जाते हैं, ये भी तो फिर गौर धाम छोड़कर बाहर जाते हैं। ये गौर धाम छोड़कर नहीं जाते, गौर धाम को अपने साथ लेकर जाते हैं, और जहां जहां जाते हैं गौर धाम की महिमा को ही, गौर नाम की और गौर काम की महिमा को ही प्रकाशित करते हैं। आज उसी का ही ये प्रभाव है कि विश्व के कोने कोने से लोग श्री नवदीप धाम परिक्रमा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। श्री नवदीप धाम परिक्रमा गौर महाप्रभु की कृपा की उपलब्धि के लिए यहाँ पर हुए हैं।
क्योंकि ये सभी गुरु जी के अनुगत में उस गौर लीला को, उस गौर धाम को स्थान स्थान पर जाकर की महिमा को प्रचारित करते हैं और अपने आचरण से सबको आकर्षित करके इस धाम में लेकर आते हैं। और उसी में ही हमारी जो उमा दीदी, कुछ दिन पहले जिनका अप्रकट हुआ, वे उमा दीदी इतनी वृद्ध काल में भी, 90 वर्ष की आयु में भी, जहाँ पर हमारी कमर में दर्द हो जाए तो हम सोचते हैं आज परिक्रमा नहीं जाएंगे, आज बीमार हो गए हम परिक्रमा नहीं जाएंगे, लेकिन 90 वर्ष की आयु में भी उमा दीदी कभी उन्होंने धाम परिक्रमा नहीं छोड़ी। नवदीप धाम हो कि ब्रजमंडल परिक्रमा हो, कभी उस परिक्रमा को नहीं छोड़ा उन्होंने। अभी पीछे भी जो कार्तिक का महीना गया, इतने कष्ट में रहकर वो वॉकर पकड़कर उमा दीदी उस परिक्रमा को करते थे। उनकी सबसे विशेष बहुत बातें हैं, महत्वपूर्ण बात एक, जब हम रूप सनातन गौड़िया, जब हम केशव जी गौड़िया मठ में रहते थे, सुबह और संध्या के समय में जब पाठ कीर्तन होता था, उस समय उमा दीदी सबसे पहले आकर वहां पाठ में बैठते थे। कोई भी वहां पर कीर्तन कर रहा हो, कथा कर रहा हो, उमा दीदी कभी भी उस कथा को नहीं छोड़ते थे। बड़ी विशेष बात, एक ब्रह्मचारी बिल्कुल नया नया वो पाठ करता था, उमा दीदी बैठकर कथा सुनती थी। मैंने एक दिन पूछा, क्योंकि हमारा केशव जी गौड़िया मठ में जो हमारा कक्ष था, हमारा कमरा, उसके सामने उमा दीदी का दरवाजा होता था, तो उमा दीदी से पूछा, आप बड़े बड़े सन्यासियों की कथा सुन रखी हैं, आप परम गुरु जी की दर्शन कर रखे हैं, श्री वामन गोसाई महाराज जी की कथा सुन रखी, त्रिकुण गोसाई महाराज जी की और गुरु जी की तो सारा जीवन कथा सुनी है, लेकिन ये कल का जो बच्चा एक वर्ष दो वर्ष पहले ये कथा बोल रहा है, आप उनकी कथा भी सुनती हो, ऐसा क्यों? आप इतने श्रेष्ठ हो। उमा दीदी क्या बोलती थी? बोलती थी, मैं तो ये नहीं देख रही कि कौन कथा बोल रहा है, मैं तो हरि कथा का आदर करने के लिए, हरि कथा का समादर करने के लिए वहां पर बैठती हूँ, क्योंकि जैसे नाम और नामी अभिन्न है, ऐसे हरि और हरि कथा भी अभिन्न है, अभिनत्व नाम नाम, हरि कथा में और कृष्ण में और कृष्ण कथा में कोई भेद नहीं है, मैं उस कथा का आदर करने के लिए वहां पर बैठती हूँ। कुछ ना कुछ तो श्रवण करने को मिलता है, कुछ ना कुछ तो श्रवण करने को मिलता है। और साथ साथ उमा दीदी ने यह भी कहा कि वो जो वहां पर बैठ के कथा बोल रहे हैं, वो थोड़ा कथा बोल रहे हैं, कौन कथा बोल रहे हैं? वो तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कथा बोल रहे हैं, वो तो भक्तियों ठाकुर कथा बोल रहे हैं, वो तो परम गुरु जी कथा बोल रहे हैं, वो हमारे आचार्य कथा बोल रहे हैं, ये तो उनकी कथा को दोहरा रहे हैं, मैं तो उनसे ही कथा सुन रही हूँ, कविराज गोस्वामी जो लिख रहे हैं उनसे श्रवण कर रही हूँ। इस प्रकार से हरि कथा के प्रति और धाम परिक्रमा के प्रति कैसी निष्ठा थी, कैसी निष्ठा श्री उमा दीदी की। एक बात बोलकर विराम देता हूँ, बस उमा दीदी स्त्री शरीर में थी, लेकिन जो उनकी एक स्थिति थी, एक पोजीशन थी, अगर उमा दीदी एक पुरुष शरीर में होती, आज सभी में सबसे श्रेष्ठ वैष्णव के रूप में इस मंच पर विराजमान होती, यदि पुरुष शरीर में होती। और सारे विश्व में उनके बहुत बड़े बड़े शिष्य होते, सारे विश्व में अगर उमा दीदी सन्यासी होती, पुरुष शरीर में होती, क्योंकि उनकी जो इतने श्रेष्ठ जो परम गुरु जी के समय से हैं और युवावस्था से जो भजन करती है, नाम निष्ठ, हरि कथा के प्रति निष्ठा, परिक्रमा के प्रति निष्ठा, उनकी उस निष्ठा को प्रणाम है, उनकी उस धाम परिक्रमा के प्रति जो उनकी अगाध जो श्रद्धा, उसको प्रणाम, उनकी भजन शैली को प्रणाम। और वह हमारे तीनों जो प्रभुत्राय हैं, श्री वामन गोसाई महाराज, श्री त्रिक्रम गोसाई महाराज और गुरुदेव, उन तीनों की बड़ी प्रिय थी, उनके श्री चरणों में प्रणाम करके उनकी हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। वांछा कल्प रूपेश कृपा सिंधु पतिता नाम पावने भ्यो वैष्णव श्री भक्तिदान त्रिक्रम गोसाई महाराज की जय। 5 मिनट उमा दीदी को बार में सुन लो, बांग्ला ही बोल दीजिए, एक बार हाथ उठिए, बोलो बोलो हरे कृष्ण के बोले ना, की व्यापार की
प्रसाद भालो दही में जोर करे हाँ आर एक बार ए दाड़ा बेना बस जा बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 बोले श्री गुरुपाद पद्म की हाँ आज के हमारा श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज समाधिते गिएछिलाम आर आज के विशेष करे हमारे गौड़िया मठे श्री उमा दीदी जिनी हमारे खूब पूर्ण भक्त छिले तिनी अत्यंत अत्यंत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज तिनी शिक्षा शिष्य केनना ओना के जे भक्ति जगत निया आसे श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज निया आसे आर जे उमा दीदी तिनी साधारण घरे तिनी जन्म नहीं तिनी मैजिस्ट्रेट तिनी छिले ने में मैजिस्ट्रेट में छिले आर खूब हरे कृष्णा आर तिनी निजे बोलते आर उनार थार बार की छिलो अनेक थार बार छिलो उनी उनी बोलते हैं जे आमी सहज काके मानते चाहतम ना हैं मानते चाहतम ना किंतु जखन आमी त्रि श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज रे श्री चरणे आमी एलाम ओदर परिवार लोकरा हमदर गौड़िया मठ रे लोक छिलो आर तिनी बोलते हैं विशेष करे आमी ओई रामकृष्ण मिशन के आमी खूब श्रेष्ठ मन करता तादर जे फिलोसफी के आमी खूब श्रेष्ठ मन करता रामकृष्ण विवेकानंद इधर फिलोसफी किंतु श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज तादर फिलोसफी होलो जत्र जीव तत्र शिव अथवा नर होलो नारायण तुम्हें जहाँ किचु करना के न सब एक जगह ही पहुंचावे एक जगह ही पहुंचावे सब होलो समान उधर होलो फिलोसफी किंतु श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज ये समस्त फिलोसफी के तिनी खंडन करते हैं बोले समस्त फिलोसफी के तिनी खंडन करते हैं बोले उनार खंडन मंडन करे तिनी कृपा करे उमा दीदी के तिनी यही भक्ति जगत नियासे उनारो बीए होई चिलो किंतु अल्प वयसे उनारो पति मारा जाए अल्प वयसे मारा जाए ए जने कृष्णा तिनी बोलछे जस्य अहम अनुग्रहनामि हरि से तद धनौसनि अर्थ होलो जेकर आमार आस बांग्ला बुझते पारछेन तो जेकर आमार आस तार करी सर्वनाश तबुओ ना छारे आमार आस तबे करी आमी तार निजेर दासेर दास निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल एजने कृष्णर आस करा मने सर्वनाश हो जावा तारा आस करा मने सर्वनाश हो जावा एजने अल्प वयस उनार पति शरीर छाड़े जने शरीर छाड़े तिनी हमारे भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज तिनी महिमा सुनते हैं हमारे महाराज खूब सुंदर हरिकथा बोलते हैं यदि एक बार के हमारे श्री नारायण गोस्वामी महाराज हरिकथा सुने आर कुथाय सुनते इच्छा कर जने तिनी की करे सब किछु छेड़े छुड़े दिए तिनी बोलते अनेक सोना छिलो उनार काछे अनेक 50-60 तोला सोना छिलो এতো সোনা ছিল ওনার বিয়ের সময় থেকে ওনার কিন্তু উনি যখন আসেন আমাদের নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের কাছে যত সোনা চাঁদি ওনার কাছে ছিল সব কিছু তিনি মহারাজকে চরণ অর্পণ করে দিয়েছেন সব কিছু তিনি ওনাকে দিয়ে দিয়েছে দিয়ে দিয়ে আমাদের গৌড়িয়া মঠে আপনি ছোট হরিদাসের নাম শুনে থাকবেন ছোট হরিদাস তিনি এক সময় তিনি भिक्षा करते एक जन मायरे बाड़ी ते केवल महाप्रभु जने भाल चाल टुक नीते गिए छिले महाप्रभु की करी खराब चाल ता खाबे भाल चाल ता तिनी नीते गिए छिले किंतु जखन महाप्रभु सुने तिनी एकटी मेर काछे गिए छिले महाप्रभु ताके त्याग करे एवं लास्ट उनके मृत्युदंड प्रदान करे तिनी लास्ट तिनी शरीर छाड़े ए जने हमारे गौड़िया मठ मेदर प्रतिपरिष्टि किंतु श्री गुरुदेव श्री उमा दीदी के तिनी एकमात्र महिला साध्वी स्त्री चिलो अत्यंत पतिव्रत नारी एवं अत्यंत निष्ठापरायण नारी किंतु कौन गौड़िया मठ कौन मेदर स्थान दीता होतो ना किंतु तिनी श्री उमा दीदी के तिनी स्थान दिए छिले श्री उमा दीदी के तिनी আমাদের গৌড়ীয় মঠে তিনি তাকে স্থান দিয়েছিলেন কেন উনি এত নিষ্ঠাপরায়ণ ভজন পরায়ণ উমা দিদি ছিল হ্যাঁ আমরা গোস্বামীদের কথা শুনি
संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काला बसान कृतौ निद्रा आहार विहार कादि विजितौ चात्यंत दिन चजो। माने होलो समस्त गोस्त जीवन अद्भुत जीवन उठे गए स्नान करबे स्नान करे जत्तो कीर्तन आछे जत्तो गौड़ीय गीत छे गुरुदेव जत्तो प्रकाशित कर छे ना बेदिन सकाळ सकाळे आरती रे आगे गिए देखी आरती आसार आगे समस्त गौड़ीय कीर्तन गुलो तिनी पढ़छेन समस्त गौड़ीय कीर्तन गुलो तिनी पढ़ते आर दिने तिनी 100,000 हरि नाम करते जेपर जत महाप्रभु बोल लेना यदि केव 100,000 हरि नाम ना करे और हाथर दया वस्तु हम ग्रहण कर बना अजन उमा दीदी तिनी 100,000 हरि नाम अपतित बाबे जेपर जंत यदि हरि नाम पूरा ना हो तो ना जत तो रात्रि पर्यंत पूरा ना आवे 100,000 हरि नाम उमा दीदी घुमाते ना घुमा दीदी घुमाते ना आज यदि एक दिन पूरी यदि ना होए द्वितीय दिन आबार वही 100,000 हरि नाम के तिनी द्वितीय दिन आबार पूर्ण करते ने उमा दीदी एतो भजन निष्ठा तिनी छिले एतो भजन निष्ठा ए जने अभी प्रश्न होछे ओनार एतो निष्ठा एलोटा की कर देखो जे जिनिष्ठा आमादेर उमा दीदी थेके जिन जिनिष्ठा शिक्षार विषयटा प्रश्न होछे ओनार मध्ये एतो निष्ठा भजन परायण एलो की करे एकटी विशेष गुण उमा दीदी मध्ये आमी देखते सेटा होलो वैष्णव सेवा महाप्रभु तिनी दुईटी उपदेश दिए छिलेन वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण एटा होलो महाप्रभु दुईटी होलो उपदेश ये दुईटी जे चिन्ह ये संपूर्ण रूपे उमा दीदी मध्ये विद्यमान छिलो उमा दीदर मध्य ये दुईटी चिन्ह संपूर्ण रूप ओनार मध्य ये दुईटी जिनस देखा जातो तिनी वैष्णव दरे एतो सेवा करते आमी निजे देखछे आमी जदि कुछाय जेताम बोलछेन रसानंद प्रभु हमारा आगे ब्रह्मचारी नाम छिलो अपनी जाछेन रास्ता की खाबेन तो उन रोटी सब्जी बानी दितो केवल आमी नय जदि केउ कुथाय जाए तादर जने तिनी उमा दीदी तिनी रान्ना बान्ना करे रास्तार जने तिनी बानी दीते রাস্তার জনে এই জনে যখন তিনি চুচুড়ায় ছিলেন ওনার বাড়ি হলো চুচুড়া যদি কেউ বলতে না শুনতে পেত উমা দিদির বাড়িতে যাচ্ছি এত প্রসন্ন হতো ব্রহ্মচারী বলে কেন তিনি তো ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মেয়ে ছিলেন তিনি ঘরে তো কোনো কিছু অসুবিধা নেই বলে উমা দিদির বাড়িতে গেলে খুব রসগোল্লা পাওয়া যাবে নলিনী গুড় পাওয়া যাবে পাটি সেমটা পাওয়া যাবে বাঙালি বাঙালিরা বুঝতে পারছে নাকি না হ্যাঁ পিঠা পানা পাওয়া যাবে খুব দহি মিষ্টি পাওয়া যাবে এই জন্য উমা দিদিনী বৈষ্ণব সেবার তিনি মূর্তিমান স্বরূপ ছিলেন উমা দিদি বৈষ্ণব সেবার এই জন্য বলছেন অতঃ শ্রীকৃষ্ণ নামাদি না ভবেত গ্রাহ্য ইন্দ্রিয়ই সেবন মুখই জিহ্বা দৌ স্বয়মেব স্ফুরেত তত্ত্ব অতএব বলছেন অতঃ শ্রীকৃষ্ণ নামাদি না ভবেত গ্রাহ্য ইন্দ্রিয়ই মানে জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তুমি কৃষ্ণ নাম কে করতে পারবে না কি করে করতে পারবে বলে সেবন মুখেই জিহ্বা দৌ যদি সেবন মুখী যদি বৃত্তি হয় তখন ওই নাম তোমার হৃদয় মধ্যে তখন প্রকাশ হবে এই জন্য ওনার যে জীবনটা ছিল না সম্পূর্ণ সেবাময় জীবন ছিল এবং তিনি বিদেশ গিয়ে যে পয়সা গুলো নিয়ে আসতেন একদিন আমি উমা দিদিকে বললাম যে উমা দিদি তুমি বিদেশে যাচ্ছ বিদেশে গিয়ে পয়সা নিয়ে আসছো এখন তো বৃদ্ধ হয়ে গেলে কিছু তো কাছে রাখো কিন্তু উনি কি করতেন বৈষ্ণব যখন কোন তিথি আসতো না যেন ভক্তি প্রজ্ঞানী কেশব গোস্বামী মার তিথি আসতো আমি করতাম ওখানে আমাদের রূপ সনাতন মঠে আমাদের বা গোপীনাথ ভবনে তুমি সমস্ত বৈষ্ণবদের প্রণাম দেওয়া কখনো কখনো কোন বৈষ্ণবদের উৎসব হলে তাদের রসগোল্লা দেওয়া ক্ষীর দেওয়া আজকে ও ক্ষীর যেন কিছু পয়সা দিয়েছেন না আজকে ও ক্ষীর কালকে কালকে ও ওনার উৎসব আছে কালকে বুঝতে পারছেন তো বলে এখনো ওনার নাম শুনে বিদেশি লোকরা এখনো ওনার নাম শুনে পয়সা দিয়ে মানে এত তিনি সেবা পরায়ণ ছিলেন আমি বললাম উমা দিদি একটু একটু তো পয়সা রাখো
এখন তুমি আর বিদেশে না যেতে পারলে বৃদ্ধাবস্থা হলে তোমাদের জীবনটা কে দেখবে? দেখুন ওনার কি ভাষা, কি তিনি বললেন উমা দিদি, বলে 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 শ্রীধর মহারাজ আমি যদি কিছু পয়সা রাখি না তবে মহাপ্রভু প্রতি বিশ্বাস উঠাই থাকল, রক্ষিষতি ইতি বিশ্বাস গুপ্তরূপে বর্ণম তথা, অর্থ হল যদি কেউ ভগবানের ভজন করে অভ্যাস রাখবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন বা তিনি হলেন আমার পালন কর্তা তা বিশ্বাস কোথায় থাকলো? এই ষড়গ স্বামীদের যে বিচার যে ভগবান নিশ্চিত রূপে আমার জীবনকে পালন করবে আমার বিশ্বাসটা কোথায় থাকলো? সত্যি সত্যি আশ্চর্য জিনিস, যারা গোবিন্দকে বিশ্বাস করে, যারা গোবিন্দ ভগবান উপরে বিশ্বাস করে, সত্যি সত্যি ঠাকুর তাদের জীবনে কি করে দেখে। উমা দিদি তিনি ঠিক অপ্রকট, একটু আগে তিনি জল খেলেন, একটু আগে জল খেলেন, আমি কিছুদিন আগে যখন গিয়েছিলাম দেখলাম ওই অবস্থাতে তিনি বানাচ্ছেন ওই লুচি, লুচি বানাচ্ছেন বানাচ্ছেন। আমি বললাম উমা দিদি এখানে কি করছো? বলে শরীর যতটুকু আছে সময় আছে যাতে গুরু বৈষ্ণবের সেবা হয়, মানে তিনি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত গুরু বৈষ্ণবের সেবা করতে করতে তিনি জীবন কাটিয়েছেন। এই জন্যে ভাগবত বলছে অনায়াসেন মরণম বিনা দৈনন্দিন জীবনম অনারাধিত গোবিন্দ চরণম কথা বিচার। অর্থ হলো যদি কেউ সত্যি সত্যি নিষ্কপটে ভজন করে থাকে তাদের জীবনটা অনায়াসে বিততে পারে, তাদের মৃত্যুটাও অনায়াসে হতে পারে। সত্যি সত্যি ওনার যে মৃত্যু, ওনার যে শরীর ত্যাগ করছেন অদ্ভুত রূপে, এই জন্য তিনি আমাদের সবার উপরে তিনি কৃপা করুন। আর তিনি অত্যন্ত নিরপেক্ষ ছিলেন, স্পষ্ট কথা তিনি বল দিতেন, এই জন্য কেউ কেউ ওনাকে ভয় পেত, কেউ কেউ ওখানে ভয় পেত, কেন গেলে না স্পষ্ট কথা বল দিবে, একদম স্পষ্ট কথা বলে দিবেন, যেটা অন্যায় অন্যায় বলবে, ওটা ন্যায় বলবে না অন্যায় বলবে। এই জন্য কেউ কেউ ওনাকে ভয় পেত, গেলে তো আমাকে স্পষ্ট কথা বলে দিবে, হ্যাঁ স্পষ্ট কথা বলে দিবে। এই জন্য উনি জীবন অত্যন্ত খুব ভালো জীবন, ভজন পরায়ণ, বৈষ্ণব সেবা পরায়ণ, সব কিছু ওনার মধ্যে ছিল। তিনি আমাদের সংস্থার মধ্যে মহাপ্রভুর যে ভবিষ্যৎবাণী ছিল, পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম, সত্যি সত্যি উমা দিদি তিনি সর্বত্র বিশ্বতে গিয়ে তিনি মহাপ্রভুর বাণী তিনি প্রচার করছেন। বলে শ্রী উমা দিদি কি, আর জোর করে বলো, বলে শ্রী উমা দিদি কি। এই জন্য তিনি আমাদের সবার উপরে আশীর্বাদ, তিনি উমা দিদি আমাদের উপরে কৃপা করুন। বাঞ্ছা কল্পিত রূপস্য কৃপা সিন্ধু ভৈব চ পতিতানাম পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। কেউ উঠবে না মায়েরা, হরিকথার মাঝখানে উঠলে পাপ লাগে, এখন শেষ হয়ে যায় পাঁচ মিনিটে আরতি, তারপরে প্রসাদ হবে। আর কালকে আমাদের, কালকে আমাদের সংকল্প করা হবে কোন ঘাটে, গুরুদে গোচন্দ্রায় রাধিকায় তদায় কৃষ্ণায় কৃষ্ণ ভক্তায় তদভক্তায় নমো নমঃ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিব সারি গৌর ভক্তবৃন্দ, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। First of all, offer my humble obeisances to my divine Diksha Guru, Nityalila Om Kavista Om Vishnu Parasto Tarasachi Shima Shila Bhakti Vidanta Narayan Goswami Maharaj, who had kindly accepted me as one of his. I also offer my respectful obeisances to my Senyas Guru Om Vishnu Parasto Tarasachi Shima Shila Bhakti Shila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj,
who had also accepted me in the Seigneur's dam. I offer my respectful obeisances to all the Seigneur's gang who are here, headed by Shripad Madhav Maharaj, Shripad Bon Maharaj, Shripad Siddhanti Maharaj, Shripad Sridha Maharaj, and all those who are actually heading Guru Dev's mission. I see so many people here. That means Guru Dev is present. Guru Dev is present here. But we have to applaud all of them who are making this effort. So please, let's give them a round of applause for giving this essence, helping to maintain Guru Dev's Sangha. Let's give them a round of applause. This morning, we started our Navadvip Dam Parikrama. First, we visited the Samadhi of Bhaktivedanta, you know, Tribhukam Goswami Maharaj. Let's learn a lesson from Srila Tribhukam Goswami Maharaj. Did he have any disciples? No. But today, all the disciples were there. Everybody was there to give him, you know, honor. We are all there to give him honor. And Srila Tribhukam Goswami Maharaj had a very profound relationship with Srila Guru Dev. In the Gaudiya Vedanta Samhit, three of them were the pillars. Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Tribhukam Goswami Maharaj, and our very dear Guru Maharaj, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. What were they doing? They were very cooperative, always in union. There was no time that there was any division among them. No division. Are you listening? Please listen well. Everybody listen well. There was no division. So they created a very harmonious relationship. And this harmonious relationship led, in fact, Srila Guru Dev did not even take disciples until in his late 70s. Now, Srila Guru Dev had instituted this movement. Why? He went to the West. And for people like me, who didn't know anything about the, you know, Ras Vichar, he tried to give us something on Ras Vichar. We were able to know about Tatwa Vichar, but the Ras Vichar was limited. Srila Guru Dev gave us all this. So the West devotees became very enthused, together with the Indian and devotees from other places. He has created these lovable buildings. The buildings are not to fight over. The buildings are for us to show our love to Srila Guru Dev. These buildings are there for us to come in and honor Srila Guru Dev for all what he has done. Look at when Srila Guru Dev was with us. When he goes to Samudra, him and Srila Bhakti Vedanta Tribhukam Goswami Maharaj, they will be sparing. And in that spare, everybody is happy, enjoying the kata they were giving, the siddhanta they were giving. So I'm also expecting that as followers of Srila Guru Dev, we shall all unite. There is strength in unity.
Unity doesn't mean we can't be individualistic. Unity doesn't mean we cannot be individualistic. We can be individualistic, but unity binds us and feathers the cause of Mahaprabhu's mission. Other than that, what will happen is that we are not following, we are not following the footsteps of Guru Maharaj, our Guru Maharaj, Guru Dev. So to fight, to be able to follow, we have to come together as a unit. Everybody is trying to preach. Everybody is trying to give the knowledge for Lord Chaitanya Mahaprabhu to the world. But if there is no unity among us, people will be laughing at us. Look at them. They say they have higher principles, and they cannot even execute loving relationships among themselves. In fact, Srila Gurudev once said this. He said, if you cannot love each other, how do you think the love of Krishna will come into our heart? How? Are you folks listening? You're listening. Very good. I want you to listen very well. This is very essential. What we are doing is not good. Where are the Western devotees here? No Western devotees. No, the leaders. None. Everybody, we are scattering. Now we have separated into about 5 or 6 groups. Is that Gurudev's wish? If Gurudev were here, will we be doing that? We should do what Gurudev wants. He said, I want your heart. Gurudev doesn't want position. He wants only our heart to peel, melt our heart in such a way that he can be able to mold it and give to Radharani. This is the essence of why we are here. If anybody understands this knowledge, we can speak so much Siddhanta. But if we don't follow Gurudev, where is our Guru Nista? Guru Nista is very important. So, to me, I have not been here for some time, but I'm begging all of you, everybody, especially the leaders, please, we should unify. If we don't unify, the house that is not united falls apart. The house that is not united will always fall apart. So, we should, as a matter of course, as a matter of desire, he said, you should desire, then you can deserve. We are not desiring to be one with each other. How can we deserve what Gurudev has for us? The mercy of Gurudev. It is impossible. So I'm not going to speak for long. I don't know any kata to give. My kata is to, for us to come together and cultivate that mood. When Gurudev is here, we are all gathered around. Individually, we cannot make it. Yes, indeed, we can make it. But what about Gurudev's disciples? The disciples of Gurudev who are here, who helped Gurudev to create this. Sometimes they are marginal, they'll be marginalized. No, we don't want this. We want to come together. So starting from today, I'm appealing to all the fashions. Come together. Help Gurudev propagate the highest philosophy that he has brought across to us. Vancha kapa taridyascha kripa sindhu bhavacha patitanam pavanibhyo vaishnavibhyo namo. Hare Krishna.
कल हम लोग संकल्प करने जाएंगे, ठीक कितने बजे? 5:30 बजे, 5:30 बजे कल के हमारा संकल्प करते कल से जाबो। प्रथम हमारे देवानंद गौड़ीय मठे, देवानंद गौड़ीय मठे पर हमारा श्री हमारे गंगा से हमारा संकल्प करते जाबो जाते हमारे जे नवद्वीप धाम परिक्रमा जाते सुष्टप होते पर। कल हम लोग आरती को बाद में 5:30 बजे हम लोग देवानंद गौड़ीय मठ में जहाँ पर हमारे मूल मंदिर है वहाँ पर हम लोग जाएंगे। वहाँ पर हमारे गुरु वर्गों का आशीर्वाद को लेकर के फिर हम लोग संकल्प करने के लिए गंगा घाट में जाएंगे। और कल है हम लोग कल में और कुछ भक्त लोग जा रहे हैं शांतिपुर और अंबिका कालना। ये संकल्प के बाद में हमारे बस यहीं पर खड़ी रहेगी, फिर हम लोग जा करके कोशिश करेंगे शाम तक हम लोग जैसे इधर वापस आ सकते। हे कृष्णा कृष्णा समस्त भक्तदेर काचे प्रार्थना जा भक्तरा श्री नवदीप धाम परिक्रमा जन ऐसे चैन समस्त भक्तदेर स्वागत समस्त भक्तदेर काचे प्रार्थना जारा रजिस्ट्रेशन कोरे नाय मेन गेट काचे श्री वेणु प्रभु आर नार टीम भक्तदेर जन रजिस्ट्रेशन करचेन तो रजिस्ट्रेशन करे और कार्ड पावें से कार्ड पावार पर परिक्रमाते और प्रसाद पावार सहज और सुयोग होबे। ठीक है समस्त भक्तरा रजिस्ट्रेशन करे नहीं और कल के मंगल आरती पर 5:30 संकल्प जन प्रथमे परम गुरुदेव समाधि और संगे श्री वामन गोस्वामी जी समाधि कृपा आशीर्वाद दिए मणिपुर घाटे पंचवेणी घाटे हमारा संकल्प तनिबो। जारा भिक्षा दीते चान आ डोनेशन दीते चान जेकाने सेकाने दीवेन ना मेन ऑफिस गिए सेकाने पर्चित निये सेकाने डोनेशन ता दीवेन आर डॉक्टर दवाई गुली कलकत्ती के प्रारंभ होए जाबे स्टॉल गुली सेकाने जारा रोगा चिले तारा गिये सेकाने दवाई शवाई नीते पारे। जो लोग श्री नवदीप धाम परिक्रमा के लिए पधारे हैं सबको स्वागत है। मेन ऑफिस में रजिस्ट्रेशन जो है पिछले सालों की तरह ये साल भी चल रहा है तो सबसे प्रार्थना है सभी लोग जाकर के वहां रजिस्ट्रेशन और प्रसादम कूपन ले लेंगे। और जो नॉर्थ इंडियन और जो वेस्टर्न डिवोटीज के लिए जो प्रसाद है वो कल से प्रारंभ होगा दोपहर से जो डी ब्लॉक में जो फर्स्ट फ्लोर में है वहां पर होगा और बेसमेंट में भी होगा ये कल से दोपहर से भी प्रारंभ होगा। और रात के लिए और कल सुबह के लिए डी ब्लॉक के जो नीचे जो बेसमेंट में सबके लिए प्रसाद होगा और कल से जो है दोपहर से फर्स्ट फ्लोर में जो जो लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं और जो कूपन जिनको मिला है उन सबको मिलेगा। कल परिक्रमा जो है संकल्प के लिए जाएगा सुबह मंगल आरती के बाद 5:30 बजे पहले श्री वामन गोस्वामी महाराज और श्री परम गुरुदेव के समाधि मंदिर जाके कृपा आशीर्वाद लेकर के फिर हम लोग पंचवेणी मणिपुर घाट जाकर के वहां पर संकल्प लेंगे फिर वापस लौटेंगे हम लोग। और जो लोग डोनेशन देना चाहते हैं वो विशेष रूप से मेन ऑफिस जाकर के वहां पर जरूर दें और रसीद भी ले और कहीं डोनेशन ना दे। और जो डॉक्टर मेडिकल कैंप इत्यादि जो है वो कल से जो है प्रारंभ होगा। और दोस्त डिवोटीज हु हैव जॉइंट श्री नवदीप धाम परिक्रमा दिस ईयर दे आर Welcome by the International Gaudiya Vedanta Trust. So those who have joined, please kindly do registration in the main office and get the Prasadam coupon. Prasadam will start from tomorrow noon time in D block first floor. But tonight and tomorrow morning, D block first B
basement, ground floor, there will be prasadam, but from tomorrow noon time, first floor, there will be prasadam. And tomorrow, Parikrama will leave by 5:30 p.m. just after Mangalarti. We'll go to Srila Vaman Goswami Maharaj, Srila Goswami Samadhi, get their mercy, and then we will go to Sri Gangaji, Panchaveni Ghat to do our Sankalpa. ये नवदीप धाम परिक्रमा के लिए जो जो लोग सेवादार हैं, वी हैव डिवाइडेड सो मेनी डिपार्टमेंट्स एंड द सेवा हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बट नाउ देयर इज नो टाइम बट इन शॉर्ट संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा ठाकुर जी के पूजा अर्चन के लिए दयानिधि प्रभु भास्कर श्रीकांत सुबल नकुल कार्तिक ये सब लोग ठाकुर जी के पूजा अर्चन देखेंगे महाप्रभु के पालकी सेवा के लिए जो है द्विजय कृष्ण प्रभु और दिल्ली से कृष्ण प्रभु और रागलेखा दीदी ये सब लोग देखेंगे और जो प्रसादम के लिए दामोदर महाराज जी कॉमन प्रसादम के लिए दामोदर महाराज जी शानदारी प्रभु राधेश प्रभु मदन प्रभु ये सब लोग देख रहे हैं और नॉर्थ इंडियन प्रसादम के लिए विवेक जी हैं वो देखेंगे उनके टीम के साथ और प्रसादम परिवेशन के लिए जो कॉमन प्रसादम है वहां प्रशांतम महाराज और परमहंस महाराज और मदन प्रभु और ये जीत कृष्ण प्रभु ये सारे लोग मिलकर देखेंगे और कीर्तन पार्टी जो है विशेष करके परिक्रमा का कीर्तन और ये मंदिर के कीर्तन के लिए सुंदर गोपाल प्रभु गौरराज प्रभु ये उत्तम कृष्ण प्रभु फिर भागवत महाराज फिर दूसरे दूसरे जो कीर्तनिया हैं वो सारे लोग मिलकर के कीर्तन की जिम्मेदारी लेंगे परिक्रमा का जो रजिस्ट्रेशन है वो बंगालियों के लिए वेणु प्रभु बलराम और उनके टीम वाले सब लोग देखेंगे और नॉर्थ इंडिया और के लिए जो है विश्वरूप प्रभु और ये मित कृष्ण प्रभु और रमणी मोहन नादि कृष्ण और आदिकेशव ये सारे लोग देखेंगे और वेस्टर्न डिवोटीज के लिए विमला प्रसाद फ्रॉम रशिया एंड वृंदा दीदी दे विल टेक केयर और जो लाइव और ये जो टेलीकास्ट इत्यादि जो है ये मीडिया जो है चंदन और उसका टीम तनय और पवित्र इत्यादि लोग देखेंगे और मेन ऑफिस में कंसल प्रभु राधा रमन विमल दास और ये जय कृष्ण दास मधुसूदन प्रभु और दयानिधि प्रभु ये सारे लोग देखेंगे और बिजली पानी और सफाई के लिए श्री दयानिधि प्रभु और बोधायन महाराज जी ये सब लोग देखेंगे और मेडिकल कैंप के लिए नवीन कृष्ण प्रभु दिल्ली से और सुरेंद्र माधव जी ये दो लोग मेडिकल कैंप लगाएंगे और सिक्योरिटी इत्यादि के लिए राजेश गौड़ जी उनकी पूरी टीम जो है सिक्योरिटी का काम देखेगी इस प्रकार से जो है सेवा का विभाग किया गया है और जिस जिसको जो 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 दायित्व दिए हैं जादेर जन ने जा दायित्व दिया होलो तारा ता दायित्व बालक और सुष्टु भावे निभे और महाप्रभु और श्री गुरुवर्ग सेवा से मतुन कोरबे गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्णा हाँ तुम गाओगे तेरे को किधर तुम तो अन्य दिन गाओ के दिन सुशील के दिन टीम आ जाओ तुम लोग हाँ कल है हम लोग अंबिका कालना शांतिपुर कल जा रहे हैं हाँ जो जाना चाहते हैं वो मेरे से मिल लेना और गाड़ी यहीं पर खड़ी रहेगी बस और गाड़ी बस यहीं पर खड़ी रहेगी जो जाना चाहते एक बार मेरे से मिल लेना मेरे को थोड़ा बोल देना हरे कृष्णा और जो कल से जो कथा है ऊपर में बंगला अंग्रेजी और गुरुजी की समाधि में हिंदी कथा होगी गुरुजी की समाधि में हिंदी कथा और ऊपर में बंगला और अंग्रेजी कथा हरे कृष्णा पुजारी प्रभु।